मेल और फीमेल में क्या फ़र्क है, नर और मादा में क्या फ़र्क है जो देखते वाज़े हो जाए। शेर के चेहरे का खूबसूरत हुसन और उसके बाल शेरनी से उसे इम्तियाज़ देते हैं। मोर के पंख उसे मोरनी से जुदा करते हैं। तोते की गानी उसे तोती से जुदा करते हैं। मुर्गे के सर का ताज उसे मुर्गी से जुदा करता है। हर परिंदे को अल्लाह ने एक खसूसियत अता की, हर जानवर को एक अल्लाह ने खसूसियत अता की कि देखते साथ पता चल जाता है। और यह जीनत नर के साथ ख़ास है जो अल्लाह ताला ने उसे अता की, और इससे वाज़े ये कुदरत का निज़ाम ज़ाहिर होता है। और कुदरत ने जो हमें जीनत अता की तो मर्द को कुदरत ने और अल्लाह ताला ने दाढ़ी अता की, जो इंसान के चेहरे का हुसन है, जो मर्द के चेहरे का हुसन है। और जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी और इस चेहरे के हुसन को इख्तियार करने का फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूछें खूब कतरवाया करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज या उमरा करते तो अपनी दाढ़ी हाथ से पकड़ लेते और मुट्ठी से जो बाल ज़्यादा होते इन्हें कतरवा देते। सुभान अल्लाह, काश अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अमल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।